नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारे। देशे, देश में। बहवे, अनेक। समुद्र तटाहा, समुद्र तट। संति हैं, संति मीन्स हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। यहाँ पर समुद्र तटा प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो संति भी प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो संति समुद्र तटाः के अनुसार आया है। ठीक है, एतेषु, इनमें, इनमें इन समुद्र तटों में, इनमें इन समुद्र तटों में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव अत्यंत प्रसिद्धा प्रसिद्ध संति हैं। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव अत्यंत प्रसिद्धा प्रसिद्ध संति हैं। इनमें, अभी हिंदी में देख सकते हैं, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट, और पुरी के तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटक के भी, विदेशी पर्यटकों को समधिकम अत्यधिक रोचते, अच्छा लगता है। गोवा तट है, विदेशी पर्यटक के भी समधिकम रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए या विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। तो हिंदी में देख लीजिए, गोवा तट विदेशी पर्यटकों को या सैलानियों को अत्यधिक अच्छा लगता है, अत्यधिक अच्छा लगता है। नंबर चार, विशाखापत्तनम तट है, विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापार आए, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आप हिंदी में देख सकते हैं, विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट है, कोची का तट नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते, जाना जाता है। देखिए, कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर सिक्स, मुंबई नगर से, मुंबई नगर के जुहू तटे है, जुहू के तट पर सर्वे जना, सभी लोग स्वैरम, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति मीन्स घूमते हैं। देखिए, मुंबई नगर के जुहू तट पर, मुंबई नगर से मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू के तट पर सर्वे जना, सभी लोग स्वयरम का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार बेरोक टोक विहरन्ति घूमते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं, क्या करते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं। नेक्स्ट नंबर सेवन देखिए, चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर का मेरीना तट है, चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरीना तट। देश से, देश के सागर तटों, तटेषु समुद्री तटों में दीर्घतम है, सबसे लंबा है। चेन्नई नगर से मेरीना तट है, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश से, देश के समुद्र तटेषु समुद्र तटों में दीर्घतम सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का समुद्र तट, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे लंबा है, देश के समुद्र तटों में सबसे लंबा है। तो एक बार और देख लेते हैं साथियों, केवल संस्कृत। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं।
एतेषु मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई गोवा कोची कन्याकुमारी विशाखापत्तनम और पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटे विदेशी पर्यटक भी समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटे वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटे नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोड टॉक घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरिना तटे देश से सागर तटेषु दीर्घतमः है। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के समुद्र तटों में सबसे लंबा है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।